दुमका के शिकारी पारा थाना क्षेत्र के पत्ताबाड़ी चौक के पास 4 दिन पहले चावल लोड ट्रक लूट का मामला सामने आया था। इस बाबत ट्रक चालक ने 29 जुलाई को शिकारी पारा थाना में मामला भी दर्ज कराया था। वहीं आज पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। बता दें कि प्रेस वार्ता में SDPO नूर मुस्तफा ने बताया कि ट्रक के मालिक ने ही ट्रक की लूट की योजना बनाई थी, लेकिन नाकाम हो गया। फिलहाल चालक राहुल कुमार और ट्रक मालिक मनी कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। SDPO नूर मुस्तफा ने बताया कि ट्रक मालिक के कहने पर चालक ने बांका में चावल लूट करने के बाद पश्चिम बंगाल जाने की बजाय भागलपुर के रास्ते सुल्तानगंज पहुंच गया, जहां राधा इंटरप्राइजेस को चावल बेचकर ट्रक को जमुई के एक गैरेज में बनने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन पुलिस भी मुस्तैद थी, पूरे मामले की गंभीरता से जांच की और साजिशकर्ता को पकड़ लिया। पुलिस ने जमुई से ट्रक और सुल्तानगंज से चावल बरामद किया है। बता दें कि अभी 435 बोरी चावल में से मात्र 255 बोरी चावल ही बरामद हो पाया है। 29 तारीख को सुबह एक भागलपुर के रहने वाले हैं ट्रक मालिक और उसका ट्रक ड्राइवर जो है वो शिकारीपाड़ा थाना में आए हुए थे केस दर्ज कराने के डकैती को लेकर के, कि मेरा ट्रक जो है कि डकैती, उसमें चावल था और पूरे ट्रक में चावल था और उसको कुछ लोगों ने डकैती करके ले गया और हमारे ड्राइवर को यहाँ उतार दिया है बीच रास्ते में। उसी के क्रम में SP साहब के निर्देश में थाना प्रभारी खोजबीन किए और ड्राइवर को ले करके जानकारी लेना शुरू किए, तो ट्रक जो है कि जमुई में मिला, वहाँ से गैरेज में बनने ये लोग दिए थे और उसके बाद जो उसमें चावल था उसको पहले ये लोग सुल्तानगंज में अनलोड कर दिए थे और फिर ड्राइवर को ये लोग हसडिया के पास ला करके स्कॉर्पियो में छोड़ दिए और वहाँ से ट्रक ड्राइवर जो है कि कोई गाड़ी से आया और यहाँ पर उतर गया और यहाँ से फिर कहानी बनाया और अपने मालिक को फ़ोन किया कि यहाँ गाड़ी लूट लिया गया है। और इसी के खोजबीन के क्रम में जो है कि ट्रक मालिक और ट्रक ड्राइवर की संलिप्तता उजागर हुई। लोग बनने के बहाने में वहाँ छुपा दिए थे, वहाँ से बरामद हुआ है जमुई से। और दूसरी बात, 435 बोरा शायद ये था चावल और उसमें से 255 बोरा चावल सुल्तानगंज के एक मिल से बरामद हुआ। कैसे पता चला? ट्रक ड्राइवर से जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो ये खुलासा किया कि हमारे ट्रक मालिक के द्वारा ही इस तरह का कहानी गढ़ा गया था और उसी का निर्देश को हम सारा इस घटनाक्रम को अंजाम दिए हैं। चार पहिया वाहन भी जब्त हुआ है क्या? चार पहिया वाहन जब्त नहीं है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।